हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट जॉब से जुड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आज का जो जॉब नोटिफिकेशन आया वो HPSC की तरफ से आया है, जो कि HCS 2023 का नोटिफिकेशन है। फ्रेंड्स, जो है HCS 2023 के लिए HPSC ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ये जो ऑफिशियल नोटिस आया है, इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स हैं, जो एज लिमिट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट्स आपकी क्या रहेंगी और पेपर पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी जानकारी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, देखते हैं आज का जॉब नोटिफिकेशन। जो ये जॉब नोटिफिकेशन आया है, ये आया है HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपकी, ये है 11/2023 और रिक्रूटमेंट है पोस्ट ऑफ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर एलाइड सर्विसेज 2022 के लिए। ये जो है रिक्रूटमेंट है 2023 की, ये एडवर्टाइजमेंट है आपकी। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका, ये 9 फरवरी 2023 को जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वेबसाइट पर। जो फॉर्म भरने शुरू होंगे आपके वो 16 फरवरी से शुरू होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो आपकी 12 मार्च रहेगी। तो ये आपकी जो है फॉर्म से भरने से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स है। 16 फरवरी को जो है आपका लिंक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का एक्टिवेट हो जाएगा और 12 मार्च तक ये एक्टिव रहेगा। आपको जो है hpsc.gov.in उस पर लिंक जो एक्टिवेट होगा उस पर आपको फॉर्म को फिल करना है और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर जो आपका पोस्ट्स है इस भर्ती के अंदर, जो लगभग कुल जो वैकेंसी हैं वो 95 पोस्ट हैं और अलग अलग जो पोस्ट हैं ये उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, जिसमें HCS की जो टोटल वैकेंसी हैं वो 10 है, DSP की 6, ETO की 4, DFSC की 2 और एक क्लास तहसीलदार की है 4 वैकेंसी, ARCS की 2 वैकेंसी हैं और इसके अलावा जो AETO है उसके लिए 13 वैकेंसी हैं, BDPO की 8 वैकेंसी हैं, TM की जो है 3 वैकेंसी हैं और DFSO की 2 वैकेंसी हैं, AEO की पोस्ट के लिए 6 वैकेंसी हैं और एक क्लास नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए कुल 35 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर ये आपकी जो है 95 यानी 95 कुल वैकेंसी हैं, ये इस जो रिक्रूटमेंट है इसके थ्रू ये वैकेंसी भरी जाएंगी। ये यहाँ पर जो है एब्रीविएशन बताएगी आपकी पोस्ट के लिए। HCS जो है हरियाणा सिविल सर्विस, DSP डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO जो है आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और DFSC है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। बाकी ये सभी आपको जो है जिस भी आपकी पोस्ट की जो आपको फुल फॉर्म देखनी है वो आप देख सकते हैं। तो इन सभी पोस्ट के लिए ये भर्ती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है एग्ज़ाम डेट। जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा आपका, जो प्री एग्ज़ाम होगा वो 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट जो है आपको एडमिट कार्ड में बताएंगे या नोटिस जो वेबसाइट पर आएगा, मई महीने में ये जो कनेक्ट होने की संभावना है। जो आपका मेन एग्जाम होगा इसके लिए वो आपका जो है जुलाई या अगस्त 2023 के महीने में कंडक्ट होगा और जो तीसरी स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू वाइवा वॉक वो आपका जो है बाद में ये डेट्स आपकी बताई जाएंगी जैसे मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके बाद। ओके, ये आपको जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा इसके बारे में वेबसाइट पर, तो आपको ये चेक करते रहना है। जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है। परी एग्ज़ाम है वो आपको 200 मार्क्स का जो है पेपर होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर GS का होगा, एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CSAT का। 100-100 मार्क्स के ये आपके जो है पेपर होंगे। प्री एग्ज़ाम है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के आपके, ये 2-2 घंटे के अलग अलग पेपर होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। 0.25 मार्क्स जो है आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। जो सेकंड पेपर है पेपर 2 CSAT का पेपर, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा और उसमें आपको सिर्फ जो है 33% मार्क्स जो है लेने होंगे। जो फर्स्ट पेपर है उसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी जो मेरिट बनेगी उसके बेस पर आपको जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए जो लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा। फिर आपका जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें आपके 4 पेपर होंगे, 600 मार्क्स के ये पेपर होंगे। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश का विद इंग्लिश SA 100 मार्क्स का, हिंदी का। फिर सेकेंड पेपर होगा और ये 100 मार्क्स का।
तीसरा पेपर आपका जीएस का 200 मार्क्स का, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको फॉर्म में चूज करना है उसका पेपर होगा 200 मार्क्स का। कुल मिला के 600 मार्क्स का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो मेंस के मार्क्स और जो आपका जो है इंटरव्यू के मार्क्स है 675 में से आपका टोटल जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आपके सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं जिनमें से आपको एक कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है चूज करना है, फॉर्म में फिल करना है। और इम्पोर्टेंट आपके लिए मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो है हिंदी और जो इंग्लिश के पेपर हैं उनमें आपको जो है सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा। 45% जो है एग्रीगेट जो आपको रिटन लैंग्वेज के पेपर्स हैं उनमें लेने होंगे, और हिंदी में आपको जो है 33% मार्क्स दोनों में आपको, और एग्रीगेट में 45% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकते हैं। यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपके लिए। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये थर्ड स्टेज होगी आपकी। उसके बाद जो है मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स का जो टोटल है उसके बेस पर आपकी जो है मेरिट बनेगी। आपको पोस्ट की अलग अलग प्रेफरेंस देनी है, जो ऑनलाइन फॉर्म है उसी में ये आपको सबमिट करना होगा। एज लिमिट जो है डीएसपी की जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 27 ईयर्स है मैक्सिमम, और मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए मिनिमम आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स, और एज जो काउंट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 को कट ऑफ डेट मानकर ये आपकी काउंट होगी। फिर नेक्स्ट आपके जो लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, और ये क्वालिफिकेशन आपके पास 28 फरवरी 2023 जो कट ऑफ डेट है उसको मानकर ये आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन की जो फ़ीस रहेगी वो आपकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के या फिर DESM कैटेगरी के उनकी 1000 रुपये रहेगी, और बाकी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 1000 रुपये रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं DESM कैटेगरी के या फिर फीमेल कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी, और जो SC ST BCA BC BEWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये ही फीस रहेगी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए फ़ीस जो है कोई भी फीस नहीं रहेगी, उनके लिए ये फॉर्म फ्री भरा जाएगा। तो ये आपके लिए इस फॉर्म से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। फाइनली जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपको जो है प्रिंट आउट अपने पास एक रखना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होगा वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास आपको रखना होगा। तो ये इस भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, एक ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इस फॉर्म से जुड़ी जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, इसी अपडेट के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जॉब अपडेट्स और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।